बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी की नेता राधिका खेड़ा ने बड़ा हमला बोला है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पहले दिन से साफ था कि कांग्रेस ही इस पूरे गंदे खेल की मास्टरमाइंड है। विनेश बजरंग के कांग्रेस में घुसते ही इस साजिश पर आखिरी ठप्पा लग गया है। तो सब कुछ सेट प्लान था, लड़कियों का इस्तेमाल कर राजनीति का घिनौना खेल खेला जा रहा है। तो राधिका आप्टे ने यहाँ पर बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि राधिका खेड़ा ने बड़ा हमला बोला है बीजेपी पर। नेता राधिका खेड़ा ने हमला बोलते हुए लिख दिया कि ये एक गंदा खेल खेला जा रहा है और पहले दिन से ही साफ था कि कांग्रेस ही इस पूरे गंदे खेल की मास्टरमाइंड है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमृत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जब से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तब से ही लगातार बीजेपी पलटवार कर रही है, हमला बोल रही है, और अब एक और पोस्ट सामने आया है। राधा, देखिए, पॉलिटिक्स कुल मिलाकर देखा जाए तो उसका जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो नैरेटिव होता है, दृष्टिकोण बनाने का होता है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के जरिए एक हरियाणा चुनाव में स्ट्रांग अपना स्टैंड रखने के साथ साथ नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये राजनीति है राधा, दूसरा पक्ष भी खाली नहीं बैठेगा, उसके पास भी उसके तर्कश में हथियार होंगे, और वही चीज़ जो है भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही विनेश और बजरंग कांग्रेस का इन्होंने दामन थामा, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार शुरू हो गया। आपको बता दें कि जब यह पूरा मामला प्रकरण में था, जब रेसलर जंतर मंतर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे, उस दौरान ही बृजभूषण शरण सिंह ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की स्क्रिप्ट कांग्रेस के कार्यालय से लिखी जा रही है और इसके सबसे बड़े प्रणेता पूरे घटना के चक्र के ऊपर रचने वाले भूषण शरण सिंह भी थमने का नाम नहीं ले रहे, वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वही बता रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब उन्होंने नाम लिया था, और आखिर में देखेंगे कि जैसे ही विनेश फोगाट ओलंपिक के बाद जब वो स्वदेश वापसी करते हैं तो उनके साथ होता कौन है? भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा साथ में होते हैं। उसके बाद से ही अंदर खाने, कोई प्रत्यक्ष तौर पर नहीं बोल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भीतरी खाने सोशल मीडिया के जरिए ये बात इनरोपिन करने की कोशिश की कि देखिए इनके साथ किसी ना किसी तरह से कांग्रेस का हाथ जरूर है, और ये जो पूरा का पूरा खेल किया गया उनके शब्द में कहें तो उसमें कांग्रेस का हाथ है। बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं और उन्होंने अब लगातार बयान दे रहे हैं, उनका सीधे सीधे हमला कांग्रेस की तरफ है कि उन्होंने सारा का सारा यह चक्रव्यूह रचा अपने फायदे के लिए। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश का नुकसान कर रही है, खिलाड़ियों का नुकसान किया इसके जरिए, और इसके जरिए दो खिलाड़ी अहम जो है उनके मोहरे बने हैं। आपको बता दें कि उनसे यह भी पूछा गया कि क्या वो हरियाणा चुनाव में प्रचार करने जाएंगे पार्टी का, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से पार्टी तय करेगी, और अगर करती है तो मैं हरियाणा के दंगल में बतौर प्रचारक जरूर पहुंचूंगा। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।